संघर्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कांग्रेस के पूर्व विधायक फूल सिंह बरेया सोमवार शाम को उज्जैन के बेगमबाग क्षेत्र में चल रहे एनआरसी और सीएए के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर एनआरसी और सीएए के बारे में कहा कि यह कानून सिर्फ वर्ग विशेष के लिए ही नहीं पूरे देश के नागरिकों के लिए घातक है। धर्म के आधार पर कानून बनाना संविधान का अपमान करने जैसा है। उन्होंने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से कहा कि यह आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किसी एक वर्ग विशेष का नहीं बल्कि भारत के सभी नागरिक का है। भाजपा को छोड़कर पूरा देश इस कानून के विरोध में है। यदि भाजपा एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो उनका एजेंडा क्या है, किस आधार पर एक हिंदू राष्ट्र तैयार होगा। आगे उन्होंने कहा, भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाने की आड़ में लोकतंत्र की जगह राजतंत्र लाना चाहती है। जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक यह आंदोलन यूं ही चलते रहेंगे। अभी हम लोग ये जो आंदोलन चल रहा है सीए और एनआरसी के खिलाफ, इस आंदोलन में मैं भाग लेने आया हूँ। सभी कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिया है कि इन आंदोलन में आप लोग भाग लें, और मैं उनके बीच में यही कहने आया हूँ कि जब तक ये कानून देश की सरकार वापस नहीं लेती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन बंद होने वाला नहीं, क्योंकि अगर ये कानून वापस नहीं लिया गवर्नमेंट ने तो 2024 में करोड़ों लोगों का जीवन ख़त्म जैसा प्रतीत हो रहा है। इसलिए इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए, और भी जगह पर हम आंदोलन कर रहे हैं उनका सूचना देने के लिए, जानकारी देने के लिए, इसलिए मैं इसमें शामिल हूं।